मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ ही दिन बचे हुए हैं। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस समेत अन्य दलों के प्रत्याशी विधानसभा सीटों पर लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी क्रम में बीजेपी प्रत्याशी और कृषि मंत्री कमल पटेल ने ग्रामीण अंचल के भादु गांव, खेड़ा, राता, तलाई और अन्य गांवों का दौरा किया है। उन्होंने सर्वप्रथम ग्राम राता तलाई में शहीद हुए जवान दिलीप सिंह की प्रतिमा पर फूलमाला पहनाकर उन्हें श्रद्धा के सुमन अर्पित किए हैं। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र में पीएम मोदी ने 9 वर्षों की सरकार और प्रदेश में शिवराज सरकार ने अभूतपूर्व परिवर्तन किया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत हासिल कर भारी बहुमत से विजय होगी और फिर बीजेपी की प्रदेश में सरकार बनेगी। उत्तर नर्मदा जी के दर्शन मात्र से भी पुण्य मिल जाता है तो हम कितने सौभाग्यशाली के रोज और इसलिए भारत माता हमारे लिए सबसे पूजनीय है। माता की जय। वंदे वंदे नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर की मां नर्मदा का आशीर्वाद हमको जिंदगी भर मिलता रहे ताकि हमारा जीवन सुखमय और खुशहाल हो। कि बच्चों चौहान जो हमारी इसी मोहल्ले का इसी गांव का एक बेटा पढ़ लिख कर सेना में भर्ती हुआ और देश की सीमा पर देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी वो मारा और सीने पर गोली खाकर शहीद हुआ 21 साल की उम्र में। तो ये भूमि हरदा